हेलो माय लविंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर एमएस बुक पेज नंबर 31। एक्सरसाइज ए, राइट यस और नो। नंबर 1, इट इज गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स। दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी बात है, यस और नो? नो। राइट हियर आंसर, नो। नेक्स्ट नंबर 2, शुड वी डू थिंग्स टू मेक अदर्स फील लव्ड। हमें दूसरों को अच्छा फील हो ऐसा काम करना चाहिए, यस। राइट हियर, यस। नेक्स्ट नंबर 3, शुड वी कंफर्ट दोज हु आर सैड। अगर कोई दुखी है तो हमें उसको कंफर्ट फील कराना चाहिए, यस और नो? यस। राइट हियर आंसर, यस। नेक्स्ट वन नंबर 4, इट इज राइट टू रिफ्यूज टू हेल्प अदर्स। दूसरों की हेल्प करने का हमें मना करना सही है, दूसरों की हेल्प करने का मना करना सही है, यस और नो? नो। राइट हियर, नो। हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, कभी भी मना नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5, इट इज राइट टू से सॉरी। सॉरी बोलना सही है, यस। राइट हियर आंसर, यस। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये यहाँ पे फिलअप्स में हमें लिखना है और ये पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। टिप टिप्स ग्रैंडफादर राइट हियर कंफर्टेड हिम। टिप टिप के दादाजी ने उसको सांत्वना दी, उसको कंफर्टेबल फील करवाया। टिप टिप लर्न Never to tease anyone। टिप टिप ने सीखा कि कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। राइट हियर आंसर, टीज। TEASE, टीज। ही लर्न टू बी हेल्पफुल एंड मेक गुड फ्रेंड्स। उसने सीखा कि सबकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए और अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड बनाने चाहिए। राइट हियर आंसर, हेल्पफुल। HELPFUL, हेल्पफुल। राइट हियर, गुड। GOOD, गुड। ही रियलाइज दैट ही शुड नॉट मेक हिज फ्रेंड्स फील सैड। राइट हियर, सैड, SAD, सैड। उसने महसूस किया कि वो कभी भी अपने फ्रेंड्स को दुखी नहीं करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, लर्न द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे 3 वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, उसको लर्न करना है, ओके? नंबर 1, कंफर्टेड मीन्स मेड टू फील लेस सैड। कोई दुखी हो तो उसका दुख कम करना। Realized, understood fully, पूरी तरह से समझना। Apologized, said sorry, माफी मांगना। Exercise A and B, everyone complete your work with neat and clean handwriting and then share it in the group. Okay? Next page number 32. All of you cut this exercise, okay?